अंजनेरी पर्वत माना जाता है कि इस जगह पर पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म स्थान है और आज भी इस पर्वत के ऊपर हनुमान जी के पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। अंजनेरी पर्वत पर आने के लिए आपको अंजनेरी विलेज में आना होगा जो कि नासिक से मात्र 25 किलोमीटर के दूरी पर है। अभी मैं अंजनेरी पर्वत के बेस पॉइंट पर हूँ और यहीं से पर्वत पर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है और 10 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस है और यहीं पर पार्किंग एरिया बना हुआ है। 2-व्हीलर का 20 रुपीज़ है पार्किंग का चार्ज और 4-व्हीलर का 30 रुपीज़। फाइनली हमने अंजनेरी पर्वत पर जाने के लिए ट्रेकिंग स्टार्ट कर दिया है और अंजनेरी त्र्यंबकेश्वर से 10 किलोमीटर के दूरी पर है और रास्ता कैसा है, कठिन है या आसान है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अंजनेरी पर्वत पर जाने के लिए आपको 4 किलोमीटर का ट्रेकिंग करना होता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दोपहर के 3 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है और ट्रेकिंग करने वाला रास्ता बहुत ही अच्छे कंडीशन में बना हुआ है। रास्ते से ट्रेकिंग करते हुए ऊपर जाते वक्त आपको अंजनेरी लेक के साथ में सह्याद्री माउंटेन रेंज भी नजर आती है। जितना ब्यूटीफुल अंजनेरी पर्वत है उतना ही ब्यूटीफुल पर्वत पर आने वाला रास्ता है और सीढ़ियों से चलकर आने के बाद आप इस माउंटेन के पास में पहुंच जाओगे और इस माउंटेन के पास आने के बाद बंदरों से आपको सावधान रहना है। अंजनी पर्वत पर जाने से पहले आपको इन दो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता बना हुआ है यहाँ से आपको जाना होता है जो अपने आप में ही एक अमेजिंग और एडवेंचरस फीलिंग होती है, लेकिन चढ़ाई वाला रास्ता होने के कारण थोड़ी सी थकान भी हो सकती है। और इसी जगह पर पुराने जमाने में जैन राजा द्वारा बनवाई गई जैन गुफाएं नजर आती है। गुफा के अंदर पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा है और यह गुफा दिगंबर जैनों के लिए तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ भगवान जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे तो ये वाली गुफा भी आप जरूर विजिट करना। और इन सीढ़ियों से चलकर आप जैसे ऊपर आओगे आप पहुंच जाओगे अंजनेरी पर्वत के सबसे पहले माउंटेन पर। यहाँ पर आने के बाद आपको ज्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अंजनेरी पर्वत पर मानसून के बाद में सितंबर और अक्टूबर मंथ में आते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिल सकते है। और रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे शॉप नजर आएंगे, यहाँ पर आप मैगी, नींबू शरबत, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अंजनी माता के ध्यान मंदिर के पास में। माना जाता है कि इसी जगह पर अंजनी माता ने तपस्या की थी, फिर शिवजी प्रसन्न हुए थे, फिर राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी जगह पर तपस्या करने के कारण यहाँ के गांव का और इस पर्वत का अंजनेरी पर्वत नाम पड़ा। और इस मंदिर के अंदर 2 प्रतिमा है, एक अंजनी माता की और दूसरी बाल हनुमान जी की। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद 5 मिनट चलकर आप जैसे आगे आओगे आप पहुंच जाओगे इस वाले हनुमान तालाब के पास में। इसी जगह से हनुमान जी ने आकाश की ओर छलांग मारी थी और तब भी यहाँ पर हनुमान जी के एक पैर का निशान बना था। आप जो ये तालाब देख रहे हैं ये बाल हनुमान जी का चरण स्थान है। यहाँ से आपको ठीक से नजर नहीं आएगा तो मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। ऊपर से आपको पूरा क्लियरली नजर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। अंजनेरी पर्वत के दूसरे पर्वत पर यानी कि मुख्य मंदिर तक जाने के लिए आपको इन सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है और पर्वत पर जाने के लिए ये आखिरी चढ़ाई होती है और यही से आपको हनुमान जी के चरण स्थान पूरी तरह से नजर आते हैं। इसी जगह से बाल रूप हनुमान जी ने आकाश की ओर सूर्य देवता को खाने के लिए छलांग लगाई थी और छलांग लगाते वक्त जो प्रेशर निर्माण होता है उसी के वजह से आज हमको हनुमान जी का ये चरण स्थान दिखाई पड़ता है। और ये चरण स्थान यह प्रमाणित करता है कि नासिक के इस अंजनेरी पर्वत पर यही पर हनुमान जी का जन्म स्थान है। हनुमान जी के चरण स्थान को नमन करते हुए मैं निकल पड़ा अंजनी माता के मुख्य मंदिर की ओर। और जैसे आप अंजनेरी पर्वत के दूसरे माउंटेन पर आते हो यहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हर जगह नेचर की ब्यूटी नजर आती है
और ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती रहती है। फाइनली मैं अंजनी माता के मुख्य मंदिर तक पहुंच चुका हूँ। इसी जगह पर हनुमान जी का जन्म स्थान है और यहाँ तक आने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। माना जाता है कि अंजनी माता ने 108 वर्ष तक तपस्या की थी, फिर जाके शिव जी प्रसन्न हुए थे और फिर राम भक्त बाल हनुमान जी का जन्म हुआ था। और अंजनी पर्वत के इस मुख्य मंदिर के अंदर जो हनुमान जी की प्रतिमा है, वो बाल रूप में अपने अंजनी माता के गोद में बैठे हुए। शायद ही आपने ऐसी प्रतिमा कहीं पर देखी होगी। और अंजनी पर्वत पर विजिट करने के लिए आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सबसे अच्छा समय माना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के आसपास में ही बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स नजर आएंगे और यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज भी नजर आती है। और ये कलरफुल फ्लावर्स आपको सिर्फ अक्टूबर मंथ में ही मिलने वाले हैं। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा सीता गुफा की ओर। जब आप हनुमान चरण जो तालाब है वहां से आप सीढ़ियों से जब ऊपर आते हो, वहीं से सीता गुफा के लिए रास्ता बना हुआ है। इस जगह पर एक गौशाला बनी हुई है और बहुत ही प्राचीन यहाँ पर गुफा है और गुफा के अंदर हनुमान जी की बाल रूप में मूर्ति बनी हुई है। और ये जगह थोड़ी सी जंगल के अंदर होने के कारण इस जगह पर बहुत ही कम लोग आते हैं, तो यहाँ पर आप जरूर विजिट करना। अभी मैं माउंटेन के ऊपर जा ही रहा था कि कुछ लोग मुझे यहाँ पर मिले। ओके, आपको कितना समय लगा टोटल? टोटल 2 आवर्स। टोटल 2 घंटा ऊपर जाने में और आने में। और सबसे अच्छा टाइम कौन सा है विजिट करने के लिए? विजिट करने के लिए मॉर्निंग का टाइम अच्छा है बहुत। तो ये लोग मॉर्निंग को 6:30 को आए थे, अभी इनकी यात्रा पूरी हो चुकी है, ये अभी वापस जा रहे हैं, राइट? यस। चलो मिलते हैं, बाय। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था और टॉप पॉइंट से हमें नीचे आने में 1 घंटे का समय लगा। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।